Hello everyone, welcome to Prakshi Classes. Today we are going to continue our previous topic, that is capital budgeting. Capital budgeting के topic में हम IRR के topic को discuss कर रहे थे, that is internal rate of return. इसमें मैंने आपको पार्ट नंबर 1 वीडियो प्रोवाइड कर दी है. आज की जो वीडियो है वो पार्ट नंबर 2 वीडियो है. एंड इस पार्ट नंबर 2 वीडियो में हम लोग कंप्यूटेशन सीखेंगे कि IRR किसी भी प्रोजेक्ट का IRR कैसे निकाला जाता है जब कैश फ्लो आफ्टर टैक्स इक्वल होते हैं. तो जब भी हमें प्रोजेक्ट में जो रिटर्न्स मिल रहे हैं अगर वो इक्वल मिल रहे हैं एवरी ईयर, तो उस केस में उस प्रोजेक्ट का IRR कैसे निकाला जाएगा ये हम सीखते हैं. This course is beneficial for BCom as well as MCom and any other competitive exam related to teaching. So, आपको part number 1 वीडियो पहले समझनी है, उसके बाद ही आप part number 2 की वीडियो को समझ पाएंगे. क्योंकि part number 1 वीडियो में मैंने आपको introduction part कराया है IRR से related. तो पहले आप सीखिए कि IRR क्या होता है, उसके बाद उस IRR को practically कैसे apply करते हैं वो आपको आना चाहिए. तो let's get start with the today's topic. Okay. So, computation of IRR when CFAT are equal. जब हमारे cash flow after tax equal होते हैं तब हमें IRR कैसे compute करना है. तो जो मेरे को steps सिखाने हैं मैं आपको एक example लेकर वो steps सिखाऊंगी. हमारा क्वेश्चन क्या है, अ प्रोजेक्ट कॉस्ट ₹60,000. एक प्रोजेक्ट है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, उसकी इन्वेस्टमेंट कॉस्ट कितनी है 60,000 एंड इज एक्सपेक्टेड टू जनरेट कैश इनफ्लोज. यहाँ कैश इनफ्लोज की बात कर रहा है, दैट इज आपको इनडायरेक्टली CFAT गिवन है. तो कैश इनफ्लोज कितने हैं 12,500 के. और ईच ईयर फॉर अ लाइफ ऑफ 8 ईयर्स, दैट मीन्स 8 साल तक आपको जो कैश इनफ्लोज रिसीव्ड होंगे वो है 12,500. कैलकुलेट IRR ऑफ द प्रोजेक्ट, आपको उस प्रोजेक्ट का IRR कैलकुलेट करना है अगर कॉस्ट ऑफ कैपिटल फर्म की कितनी है 10% है. इवन आपको कमेंट करके बताना है कि ये जो प्रोजेक्ट होगा वो एक्सेप्टेंस की तरफ लीड करेगा या रिजेक्शन की तरफ लीड करेगा. ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हमें इन्वेस्टमेंट कॉस्ट पता है जिसे आप बोलते हैं कैश आउटले या कैश आउटफ्लो. इस क्वेश्चन में हमें कैश इनफ्लो के बारे में पता है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल के बारे में पता है एंड लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के बारे में पता है. एंड हमें निकालना क्या है, हमें IRR निकालना है. सॉल्यूशन टू द गिवन क्वेश्चन, हम इसे स्टेप्स के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे. हमारा स्टेप नंबर 1 क्या है कि सबसे पहले हमें क्या कैलकुलेट करना है, F. F स्टैंड फॉर फैक्टर टू बी लोकेटेड और F स्टैंड फॉर फेक पेबैक पीरियड. आपने पेबैक पीरियड के बारे में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है. पेबैक पीरियड क्या होता है कि आप जो इन्वेस्टमेंट में पैसा लगा रहे हैं दैट इज योर कैश आउटफ्लो. ठीक है, आपने पैसा कितना लगाया 60,000 रुपए. अब आपको जो मिलने वाला पैसा है वो आपको मिल रहा है 20,000. दैट मीन्स फर्स्ट ईयर में आपको 20,000 मिला, सेकेंड ईयर में आपको 20,000 मिला एंड थर्ड ईयर में आपको 20,000 मिला. तो टोटल इट इज इक्वल टू 60,000. दैट मीन्स जो पैसा आपने लगाया आज वो आपको 3 साल के अंदर आपको रिकवर करके दे देगा. तो पे बैक पीरियड क्या कहता है, पे बैक पीरियड वो टाइम पीरियड को डिनोट करता है कि जिस पीरियड में आपको आपकी इन्वेस्टमेंट रिटर्न करके आ जाती है. पर इस केस में हमें पे बैक पीरियड नहीं निकालना, हमें फेक पे बैक पीरियड निकालना है. फेक पे बैक पीरियड इज बेसिकली पे बैक पीरियड ओनली, बट यहां पर हम IRR रेट ऑफ रिटर्न की बात कर रहे हैं. हमें यहां पर मैटर ये करता है कि हमारे को जितने साल तक कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं हम उस पूरे लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट के दौरान बात करेंगे. हम सिर्फ उस टाइम पीरियड की बात नहीं करेंगे कि जिसमें मेरा पैसा रिकवर करके आ गया, बात खत्म. नो, दैट्स वाई वी आर नॉट डिनोटिंग पे बैक पीरियड, वी आर कैलकुलेटिंग फेक पे बैक पीरियड. कैलकुलेशन इज जस्ट सेम. तो फेक पे बैक पीरियड एफ को निकालने के लिए फॉर्मूला क्या है, इनिशियल कैश आउटफ्लो डिवाइडेड बाय जो आपको कैश फ्लो आफ्टर टैक्स मिल रहा है एनुअल. 1 साल का लेंगे, क्यों, क्योंकि 8 साल में आपको सेम मिल रहा है. अगर ये सेम नहीं होता फिर मैं एवरेज करती, बिकॉज आई नीड ओनली 1 वैल्यू, मुझे नीचे एक ही वैल्यू से डिवाइड करना है. तो इनिशियल कैश आउटफ्लो क्या है आपके प्रोजेक्ट का, आपने कितना पैसा लगाया है 60,000 रुपए, आपको मिलेगा कितना एवरी ईयर 12,500. तो फेक पे बैक पीरियड कितना हुआ 60,000 डिवाइडेड बाय 12,500, आई गॉट 4.8 ईयर्स. दैट मीन्स 4.8 ईयर्स के टाइम पीरियड में आप ये अपना पूरा 60,000 रुपए रिकवर कर लेंगे. बट प्रोजेक्ट आपका कितने साल तक चलेगा, 8 साल तक. तो 4.8 ईयर्स के बाद आप एक्स्ट्रा रिटर्न कमाएंगे. 4.8 ईयर्स तक तो आपने वो पैसा रिकवर किया जो आपने लगाया था. 4.8 ईयर के बाद और 8 ईयर्स तक आप क्या कमाएंगे, रिटर्न्स कमाएंगे.
नेक्स्ट हमें क्या निकालना है, स्टेप नंबर टू। स्टेप नंबर टू में हम कौन सी टेबल यूज करेंगे, पी वी ए एफ टेबल, एंड दिस टेबल इज नोन एज प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर टेबल। एनुइटी का बेसिकली मतलब क्या होता है, एनुइटी का मतलब होता है कि जब आप कोई पैसा सेम अमाउंट का बार बार लगा रहे हैं या सेम अमाउंट का पैसा बार बार आपको आ रहा है, तब हमेशा क्या पढ़ते हैं, एनुइटी पढ़ते हैं। एनुइटी ऑलवेज डिनोट अ सम ऑफ मनी विच इज सेम या इक्वल विच इज रिसीव्ड इन एवरी ईयर और विच इज पेड एवरी ईयर, बट इक्वल अमाउंट की बात होती है। तो हम पीवीएफ टेबल में क्या लोकेट करेंगे, क्लोजेस्ट वैल्यू ऑफ एफ। ये जो आपने 4.8 की वैल्यू निकाली, इसी 4.8 की वैल्यू को आप पीवीएफ के टेबल में ढूंढेंगे। हो सकता है कि ये आपको एग्जैक्ट वैल्यू मिल जाए और हो सकता है कि इसके आसपास की वैल्यू निकले, तो हमें आसपास की वैल्यू ढूंढनी है, ठीक है। कॉरेस्पॉन्डिंग टू द नंबर ऑफ ईयर्स और लाइफ ऑफ प्रोजेक्ट, हमें टेबल होती है इतनी बड़ी, उस पूरी बड़ी टेबल में हम 4.8 के आसपास की वैल्यू निकालने बैठे तो लगेगा टाइम। तो हमें एक ऐसी रो या एक ऐसा कॉलम सेलेक्ट करना है जिसमें हमें काम करना है। कॉलम्स आर स्ट्रेट लाइन्स एंड रोज आर वर्टिकल लाइन्स। तो अगर एक रो में ही मुझे ढूंढना है तो मैं आधा सेकेंड लगाऊंगी, या एक कॉलम में मुझे ढूंढना है मैं आधा सेकेंड लगाऊंगी, पर अगर मुझे पूरे टेबल में ढूंढनी है ये वैल्यू तो मुझे टाइम लगेगा। इसलिए हमारे पास जो क्वेश्चन में लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट होता है, कितना दिया हुआ है हमें क्वेश्चन में, 8। मैं 8 नंबर ऑफ ईयर्स के रो में ऐसी वैल्यू 4.8 के हिसाब से ढूंढूंगी। दैट मीन्स आपको पीवीएफ टेबल में जाना है, उसमें नंबर ऑफ ईयर्स वाले कॉलम में या रो में खड़ा होना है, जहां पर 8 लगा हुआ है उस रो के हिसाब से चलना है और 4.8 के हिसाब से क्लोजेस्ट वैल्यू ढूंढ के लानी है। अब ये हमारे पास टेबल है, अगर आप ध्यान से पढ़े, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनुइटी, ठीक है। ये हमारे पास पीवीएफ टेबल है, इसमें अगर मैं ऐसे बात करूं, दैट इज कॉलम्स वाइज बात करूं, तो मेरे को क्या लिखा हुआ है, 2%, 3%, 4% इंटरेस्ट रेट लिखा हुआ है। और अगर मैं ऐसे बात करूं तो यहां पे देखो नंबर ऑफ ईयर्स आ गए, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बोला, आपको पीवीएफ टेबल में पूरा नहीं ढूंढना, आपको 8 ढूंढना है। तो 8 इज योर नंबर ऑफ ईयर्स, ये रहा जिसपे मैंने सर्कल किया 8। इस 8 से आपने बिल्कुल सीधा 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 चलना है यहां तक, ठीक है। अब आपको ऐसी दो वैल्यूज लेकर आनी है, किसके दो वैल्यूज, जिस जो क्लोजेस्ट है किससे, 4.8 से। तो टू वैल्यूज विल बी टेकन फ्रॉम द टेबल, बट वो दो वैल्यू आपको ऐसे उठानी है कि एक वैल्यू आपके फेक पेबैक पीरियड से कम हो और एक वैल्यू आपके फेक पेबैक पीरियड से ज्यादा हो। 4.8 के क्लोजेस्ट हो, पर 4.8 से एक वैल्यू कम हो और 4.8 से एक वैल्यू ज्यादा हो। तो अगर आप देखें, मैंने ध्यान से सर्कल भी किया हुआ है, एक आपको मिल रही होगी 4.98 और एक आपको मिल रही है 4.799, ठीक है। ये जैसे ही आपको दो वैल्यूज मिल गई, आपने सर्कल लगा देना है, मैंने सर्कल लगा दिया। उसी वैल्यू से बिल्कुल ऊपर ऊपर चलना है सीधा सीधा, और उसी वैल्यू से बिल्कुल ऊपर ऊपर चलना है सीधा सीधा। तो आई गॉट इंटरेस्ट रेट दैट इज कॉल्ड 12% एंड आई गॉट सेकेंड इंटरेस्ट रेट दैट इज कॉल्ड 13%। दिस इज नॉट इंटरेस्ट रेट, दिस इज बेसिकली अ डिस्काउंट फैक्टर। मैंने बाद में बताया, क्योंकि अभी आपको परसेंटेज में लिखा है तो हम परसेंटेज में ज्यादातर इंटरेस्ट रेट लिखते हैं, बट दैट इट इज बेसिकली अ डिस्काउंटिंग फैक्टर। तो 12% हमें एक डिस्काउंटिंग फैक्टर मिला और 13% हमें दूसरा डिस्काउंटिंग फैक्टर मिला। ये हमने किया क्यों, हमें डिस्काउंटिंग फैक्टर ही निकालना था बेसिकली। तो मैं दोबारा बता देती हूं मैंने क्या किया, पीवीएफ के टेबल में गई, उस टेबल में जो लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट आपको क्वेश्चन में गिवन है, दैट इज 8 ईयर्स, 8 ईयर्स पे खड़ी हुई, उसके बिल्कुल सीधा सीधा चली। सीधा सीधा चलते हुए मैंने ये देखा कि इस पूरी लाइन में 4.8 से एक छोटी वैल्यू चाहिए और 4.8 से एक बड़ी वैल्यू चाहिए। तो छोटी वैल्यू जो मुझे मिली वो मुझे मिली है 13% पे, और जो उससे बड़ी वैल्यू जो मुझे मिली वो मुझे मिली है 12% पे। तो दो मेरे पास डिस्काउंट फैक्टर आ गए। तो जो दो वैल्यूज मैंने उठाई है टेबल से, एक मुझे मिली है 12% पे, कितनी वैल्यू 4.968, ये मेरे फेक पेबैक पीरियड 4.8 से बड़ी है, और एक मैंने 13% से उठाई है 4.799 और ये मेरे फेक पेबैक पीरियड से वैल्यू कम है। तो मेरे को दो डिस्काउंट रेट मिले हैं, दो डिस्काउंट फैक्टर मिले हैं, जिसको आप बोल सकते हो फर्स्ट या लोअर डिस्काउंट रेट आपका 12% हुआ और सेकेंड या हायर आपका डिस्काउंट रेट हुआ 13%।
ये आपने अभी तक दो स्टेप सीख लिए मेरे साथ। अब आपके पास आता है थर्ड स्टेप। थर्ड स्टेप में आपको क्या कंप्यूट करना है, एनपीवी। एनपीवी का मतलब क्या होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोजेक्ट। अब जब भी आप एनपीवी निकालेंगे वो दोनों डिस्काउंट रेट पे निकलेगा, दैट इज 12% पे भी आपका एनपीवी निकलेगा एंड 13% पे भी आपको एनपीवी निकालना पड़ेगा। मैंने आपको स्टार्टिंग में जो फर्स्ट पार्ट था इस वीडियो का, मैंने आपको सिखाया था कि जो एनपीवी होता है वो एनपीवी जो होता है वो कैलकुलेट किया जाता है अ डिस्काउंटिंग फैक्टर पे, और वो डिस्काउंटिंग फैक्टर बेसिकली क्या होता है, आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। पर अगर आप देखें तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्वेश्चन में आपको 10% दी हुई है, बट फिर भी मैं डिस्काउंटिंग फैक्टर तो 12% पे कैलकुलेट कर रही हूं, क्योंकि हमारा जो फेक पेबैक पीरियड है वो 12% और 13% के बीच में लाई कर रहा है, इसलिए हम जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं वो डिस्काउंटिंग फैक्टर पे कर रहे हैं। अब एनपीवी का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीवी का फॉर्मूला होता है जो हमने कैश इनफ्लोज हमें मिल रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू माइनस जो हम कैश आउटफ्लो लगा रहे हैं उसकी प्रेजेंट वैल्यू। और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज कैसे निकालते हैं, जो हमारे पास कैश फ्लो आफ्टर टैक्स आए हैं उसको डिस्काउंटिंग फैक्टर से मल्टीप्लाई करना है। डिस्काउंटिंग फैक्टर रेट नहीं लिखा मैंने, डिस्काउंटिंग फैक्टर लिखा है। डिस्काउंटिंग फैक्टर कहां से मिलता है, वो आपको मिलेगा टेबल से ही, ठीक है। जो आप डिस्काउंटिंग रेट पे जो वैल्यू आप लेकर आए हैं, 12% के रेट पे कितनी वैल्यू थी, 4.968, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 12%। और 13% के रेट पे आपने जो वैल्यू लेकर आए हैं वो है 4.799, दिस इज कॉल्ड एज डिस्काउंटिंग फैक्टर एट 13%। ओके, सो नाउ अब आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी जैसे मैंने बनाई है, क्योंकि इस टेबल में हमें डिस्काउंटिंग दैट इज प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। तो मेरे पास, मुझे पता है जो कैश फ्लोज आ रहे हैं वो फॉर 1 to 8 years के लिए, कि पहले साल में भी आपको 12,500 रिसीव होगा, दूसरे साल में भी 12,500, तीसरे साल में भी 12,500 और टिल 8 years तक आपको 12,500 ही रिसीव हो रहा है। फिर आपको एनुइटी फैक्टर लेकर आना है जिसको आप बोलते हैं डिस्काउंटिंग फैक्टर, 12% के रेट पे 8 years में। ये कहां पे देखेंगे आप, प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर में। और जब हम प्रेजेंट वैल्यू एनुइटी फैक्टर में गए थे तो आप अगर ध्यान से देखो, मैं आपको दोबारा लेके जा रही हूं, एनुइटी टेबल में 12% पे ये रहा और 8 पे ये रहा, जहां ये दोनों मैच कर रहे हैं दैट इज 4.968। क्यों एनुइटी टेबल पे देख रही हूं, क्योंकि बेटा जो मुझे 12,500 कैश इनफ्लोज मिल रहे हैं वो आपको इक्वल अमाउंट मिल रहा है फॉर द 8 years के लिए। और एनुइटी का मतलब ही यही होता है कि इक्वल अमाउंट रिसीव होना फॉर अ नंबर ऑफ इयर्स के लिए। तब हमेशा आप याद रखना, हम एनुइटी ही पढ़ते हैं। अगर ये 12,500 इक्वल अमाउंट नहीं रिसीव हो रहा होगा तब मैं एनुइटी टेबल पे नहीं ध्यान दूंगी। तो 12% 8 साल में जो डिस्काउंटिंग फैक्टर है या डिस्काउंटिंग अमाउंट है वो है 4.968, और 13% में 8 ईयर में जो वैल्यू हमने ढूंढी थी वो है 4.799। तो मुझे प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है कैश इनफ्लोज की। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैसे निकालते हैं, जो पैसा आपको कैश इनफ्लो मिल रहा है मल्टीप्लाई बाय द डिस्काउंटिंग रेट या फैक्टर। तो 12,500 को आप 4.968 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 62,100, एंड अगर 12,500 को आप 4.799 से मल्टीप्लाई करोगे तो यू गेट 59,987। दैट मीन्स 12,500 जो 8 साल तक मुझे मिलेंगे वो मेरी फ्यूचर वैल्यू है, उसकी आज की प्रेजेंट वैल्यू है एक बार में 62,100, और अगर मैं दूसरे हिसाब से निकालू तो उसकी वैल्यू 59,987, डिपेंडिंग ऑन द कौन सा डिस्काउंटिंग रेट आप यूज कर रहे हैं। अगर आप अपना डिस्काउंटिंग रेट 12% वाला यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 62,100, और अगर आप अपना डिस्काउंटिंग रेट 13% यूज कर रहे हैं तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो इज 59,987। कैश आउटफ्लो कितना है, इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो 60,000 रुपए है, और इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो भी 60,000 रुपए। दोनों केस में इन्वेस्टमेंट का अमाउंट तो सेम रहेगा ना, इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू चेंज कर रही है। तो अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करूं तो मेरा एनपीवी प्लस का 2100 आ रहा है, और अगर मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो में से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करूं तो मेरा एनपीवी नेगेटिव आ रहा है, दैट इज 13। और ये चीज याद रखिएगा कि जो एनपीवी होता है दैट इज अमाउंट, एंड अमाउंट कभी भी माइनस में शो नहीं होता। इसलिए आप अगर ध्यान से देखें तो मैंने ब्रैकेट में पुट किया है, ब्रैकेट इज शोइंग द नेगेटिव वैल्यू। अगर आप लिखना भी चाहें तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं द ब्रैकेट इज शोइंग नेगेटिव वैल्यू। सो नाउ आई एम मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 4।
अब आपको जो टेबल आपने बनाई वो टेबल ऐसे ही बनेगी कि आपके पास एक एनपीवी की वैल्यू पॉजिटिव आएगी और दूसरे एनपीवी की वैल्यू नेगेटिव आएगी, ये ऐसे ही बनेगा। दैट इज द ओनली रीजन वी आर यूजिंग टू डिस्काउंटिंग रेट, दैट इज 12% एंड 13%। ये दो डिस्काउंट रेट इसलिए लिए गए हैं क्योंकि मेरा एक एनपीवी को पॉजिटिव आना पड़ेगा और एक एनपीवी का नेगेटिव आना जरूरी है। इसके बाद आई एम मूविंग ऑन टू स्टेप नंबर 5। स्टेप नंबर 5 में हम क्या कैलकुलेट करने जा रहे हैं, IRR। IRR स्टैंड्स फॉर इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। इसका फॉर्मूला क्या है, लोअर रेट लोअर डिस्काउंटिंग रेट। अब 12% और 13% में से लोअर रेट कौन सा है, 12%, तो यहां पे लिखा जाएगा 12 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट। एनपीवी एट लोअर रेट 12% के लोअर रेट पे एनपीवी कितना आ रहा है, 2100 मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस इन टू रेट्स। 12% और 13% के बीच में जो डिफरेंस आ रहा है दैट इज 1%, तो डिफरेंस इज 1% डिवाइडेड बाय एनपीवी एट लोअर रेट। लोअर रेट 12% के हिसाब से जो एनपीवी आ रहा है वो है 2100 माइनस द एनपीवी एट हायर रेट। हायर रेट 13% पे जो एनपीवी आ रहा है दैट इज माइनस का 13 और ऑलरेडी बीच में माइनस है, ये चीज का आपको ध्यान रखना है। अभी जब इसका कैलकुलेशन पार्ट कराऊंगी वो समझाऊंगी, ठीक है। तो ये आपको फॉर्मूला याद रखना है, लोअर रेट प्लस जो एनपीवी लोअर रेट पे आ रहा है मल्टीप्लाई बाय द डिफरेंस, नीचे लोअर रेट का एनपीवी माइनस द हायर रेट का एनपीवी। सबसे पहले लोअर रेट को इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अगर लोअर रेट यहां लिखा है तो एनपीवी लोअर रेट का ही ऊपर आएगा और नीचे भी पहले एनपीवी लोअर रेट का ही आएगा। तो लोअर रेट पे जो मेरा एनपीवी आ रहा है वो है 2100, हायर रेट पे एनपीवी जो आ रहा है वो माइनस का 13 है क्योंकि ब्रैकेट में प्रेजेंटेड है। लोअर रेट मेरा 12% है, हायर रेट मेरा 13% है। अब सिर्फ वैल्यूज पुट करिए, लोअर रेट कितना है 12%, तो यहां पुट किया 12 प्लस एनपीवी एट लोअर रेट कितना है 2100, तो यहां पुट किया 2100 मल्टीप्लाई बाय जो डिफरेंस है दो रेट्स में 13% और 12% के रेट में कितना डिफरेंस है 1 का, डिवाइडेड बाय जो एनपीवी है मेरा लोअर रेट का 2100 माइनस लगाया। अब ध्यान से लिखना, अगर मैं ये माइनस लगा रही हूं, ठीक है, माइनस लगाया, इसके बाद अगर मैं ऐसे लिखती खाली 13, ठीक है, ये ब्रैकेट ये नहीं शो कर रही इस टाइम पे। जब आप इक्वेशन के फॉर्म में फॉर्मूले में लिखते हो ना तो तब ब्रैकेट ये नहीं शो करती कि वो माइनस फिगर है, ब्रैकेट ये शो करती है कि उसके अंदर एक फिगर है। इसलिए ध्यान रखना, जब आप टेबुलर प्रेजेंटेशन प्रेजेंट करते हो कि एनपीवी आपका ये आ रहा है तो आप ब्रैकेट अगर दिखा रहे हो तो इसका मतलब ब्रैकेट इज शोइंग अ नेगेटिव वैल्यू, बट अगर आप इक्वेशन में पुट कर रहे हो या फॉर्मूला में लगा रहे हो तो ब्रैकेट इज नॉट शोइंग द नेगेटिव वैल्यू। उस केस में आपको ब्रैकेट के अंदर ही नेगेटिव वैल्यू को दिखाना पड़ेगा, इसलिए मैंने यहां पे माइनस का 13 दिखाया। नेक्स्ट स्टेप, 12 का 12 रहेगा, 2100 का 2100, 13 माइनस 12 इज 1 तो मल्टीप्लाई बाय 1, 2100 का 2100 रहेगा। अब माइनस एंड माइनस चेंजेस इनटू प्लस और अब ये 13 बाहर आ जाएगा। 13 के आगे जब भी माइनस होता है ना, ये 13 के आगे जो माइनस था ना इसलिए ब्रैकेट लगाई गई थी, इसलिए याद रखना है अगर यहां पर ये माइनस ना लगाया होता तो 2100 का 21 और माइनस का माइनस और 13, ये क्वेश्चन वहीं गलत हो जाता। इसलिए ये पॉइंट बहुत जरूरी है कि कब माइनस का लगना जरूरी है, कब ब्रैकेट डू नॉट शो दैट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू। फॉर्मूला में जब आप वैल्यूज पुट करते हैं तो ब्रैकेट नेवर शोज दैट इट इज अ नेगेटिव वैल्यू, आपको माइनस का साइन एक्स्ट्रा लगाना पड़ेगा। तो 12 का 12 प्लस 2100 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2100, 2100 को 13 में ऐड किया तो 2113, 2100 को 2113 से पहले डिवाइड करेंगे तो इट इज 0.99, 12 में 0.99 को ऐड किया दैट इज 12.99 एंड 12.99 का अप्रोक्सीमेटली क्या हो जाएगा 13 एंड इट विज ऑलवेज बी रिप्रेजेंटेड इन परसेंटेज फॉर्म, क्योंकि रेट ऑफ रिटर्न हमेशा परसेंटेज फॉर्म में दिखाया जाता है। तो IRR जो है इस प्रोजेक्ट का वो कितना है, रेट ऑफ रिटर्न जो हम एक्सपेक्ट करेंगे इस प्रपोजल से इट शुड बी 13%। और इसी 13% के रेट ऑफ रिटर्न पे या डिस्काउंटिंग फैक्टर पे अगर मैं अपने कैश इनफ्लोस को प्रेजेंट वैल्यू में कन्वर्ट करूंगी और उसमें से कैश आउटफ्लो माइनस करूंगी तो याद रखना कि जो मेरा एनपीवी आएगा वो जीरो ही आएगा। पॉइंट क्लियर? तो अब मुझे ये डिसाइड करना है कि मेरा डिसीजन क्राइटेरिया क्या है। तो डिसीजन क्राइटेरिया क्या है कि IRR और जो K है वो दोनों को कंपेयर किया जाता है। IRR आपका 13% है, K आपका 10% है, कंपनी के कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। और जब भी आपका IRR K से बड़ा होता है, 13% इज ग्रेटर देन 10%, तो प्रोजेक्ट शुड बी एक्सेप्टेड एज इट इज अ
प्रॉफिटेबल फॉर फर्म, क्योंकि ये प्रोजेक्ट फर्म के लिए प्रॉफिटेबल है क्योंकि जो रेट ऑफ रिटर्न फर्म कमा रही है वो ज्यादा है कंपेयर टू द कॉस्ट जो फर्म पे कर रही है कैपिटल पे। इसलिए डिसीजन क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। IRR को निकालने के लिए आपको स्टेप्स याद रखने हैं। स्टेप नंबर वन में आपको F निकालना होता है, दैट इज फेक पेबैक पीरियड। स्टेप नंबर टू में आप क्या कंप्यूट करते हैं कि आपको PVF के टेबल में जाना है और आपको दो ऐसी वैल्यूज लेकर आनी है जो आपके फेक पेबैक पीरियड से क्लोजेस्ट होगी, और वो ऐसी वैल्यू होंगी कि एक आपके फेक पेबैक पीरियड से ज्यादा होनी चाहिए और एक कम होनी चाहिए। फिर थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, आपको थर्ड स्टेप में उस टेबल से आपको कंप्यूट करना है अपना NPV, डिस्काउंटिंग फैक्टर आपको मिल जाते हैं उस टेबल से, और अब आपने प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो कैलकुलेट करते हैं, उसमें से प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो को माइनस करते हैं तो यू गेट NPV। और NPV भी आपको ऐसे ही मिलेगा कि एक आपका पॉजिटिव NPV होगा और एक आपका नेगेटिव NPV होगा। और इसके आने के बाद आप IRR का फॉर्मूला लगाते हैं, और IRR के फॉर्मूला लगाने के बाद आप उसकी वैल्यू कंप्यूट कर लेते हैं, और लास्ट में आप अपना डिसीजन क्राइटेरिया देते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो डू लाइक एंड डू शेयर विद योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो यूज दिस नॉलेज फॉर देयर एग्जाम, एंड डू कमेंट योर फीडबैक अबाउट दिस वीडियो कि आपको इस वीडियो में सारे टॉपिक्स क्लियर हुए हैं या नहीं। अगर कोई भी डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। मैं जो इसका थर्ड पार्ट वीडियो लेकर आऊंगी, मैं उस वीडियो में आपके डाउट को बिल्कुल क्लियर करने की पूरी कोशिश करूंगी। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल प्राक्षी क्लासेस सो दैट आप किसी भी वीडियो को मिस ना कर सके, जैसे ही मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप तक उसका लिंक प्रोवाइड हो जाए। सो ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड डू वेल प्रिपेयर इट। एंड इसका थर्ड पार्ट की जो वीडियो होगी जिसमें आप ये सीखेंगे कि IRR की जो कंप्यूटेशन होती है जब CFAT अनइक्वल नहीं होता, वो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगी। सो थैंक यू सो मच वंस अगेन।